कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुति प्रतिदिन एक कविता। कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ। आज की कविता है मैंने देखा। इसे लिखा है ज्योति पांडे ने। आइए सुनते हैं यह कविता मेरी यानी कार्तिकेय खेतरपाल की आवाज में। मैंने देखा वाष्प को मेघ बनते और मेघ को जल, पैरों में पृथ्वी पहन उल्काओं की संकरी गलियों में जाते उसे मैंने देखा। वह नाप रहा था जीवन की परिधि और माप रहा था मृत्यु का विस्तार। मैंने देखा वह ताक रहा था आकाश और तकते तकते अनंत हुआ जा रहा था। वह लांग रहा था समुद्र और लांगते लांगते जल हुआ जा रहा था। वह ताप रहा था आग और तपते तपते पिघला जा रहा था। मैंने देखा, देखा मैंने अर्थहीन संक्रमणों को मुखर होते, अहम क्रांतियों को मौन में घटते। मैंने देखा संज्ञा को क्रिया और सर्वनाम को विशेषण में बदलते। देखा मैंने सब देखते हुए भोगा मैंने देख पाने का सुख। सब देखते हुए मैंने जाना बिना आँखों से देखे दृश्य, बिना कानों के सुना संगीत, बिना जीभ के लिया गया स्वाद और बिना बुद्धि के जन्मे सच जीवित्ता के मोक्ष हैं। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की यह प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।